On behalf of Arushi Nishank and her production house, Himshree Films, we are proud to announce the launch of their magnum opus, Life Hil Gayi, on Disney Hotstar on the 9th of August. The film is starring Divyendu Sharma, Kusha Kapila, Mukti Mohan, Vinay Pathak, Bhagyashree, Kabir Bedi, and Aditi Govil. The film is directed by Prem Mistry. The film is about siblings turned rivals when they're put on the inheritance race driving a down in the dumps hotel in the hills. Who will emerge victorious is what we'll find out. Welcome to everyone. Thank you. Arushi, starting from you, can you please tell us about the whole experience of the, you know, making of the film? And you're looking lovely today. Oh, thank you so much. Thank you. First of all, welcome everyone. And we are super, super excited today because this web show, Life Hil Gayi, is coming on Disney Plus Hotstar tomorrow, 9th August. And I am very excited with my cast, the beautiful, talented cast, to be here today. And क्या बोलूँ मैं इसको देख के लाइफ तो हिलने वाली ही है आई फील इट इन अ गुड वे और हमारी बनाते हुए बहुत लाइफ भी हिली है सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई एम अ वेरी न्यू प्रोड्यूसर आई वुड से आई एम अ वेरी न्यू एंड नाइव प्रोड्यूसर फॉर मी इट वाज अ लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस बट आई टेल यू गाइज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए बिकॉज किस तरीके से व्हेन यू सी दैट योर baby is coming to the world. It was the same feeling for me जब मैंने Life Hil Gayi को उसके रूप में आते हुए देखा और मैंने जब धीरे धीरे करके देखा कि कैसे one by one everybody has joined this journey beginning from the writers to director to Divyendu to Kusha to Mukti Vinay Pathak ji and so on that all talented people has joined hands to bring something very extraordinary tomorrow again Disney on Disney Plus Hotstar so yeah the journey was very beautiful and hamare dimag mein ek hi khayal tha jab hum isko bana rahe the how india meets bharat ye baat ko lekar hum logo ne iski shuruaat kari thi and you're going to see this in this beautiful web series that how india is meeting bharat ji aap se janna chahenge aapka experience puri film बहुत मज़ेदार था आई वुड से मेरे लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्क्रिप्ट को हाँ बोली थी वो इसकी लोकेशन थी उत्तराखंड तो जब मुझे पता चला वहाँ पे हो रहा है बिकॉज आई लव हिल्स तो बट नहीं जोक्स अपार्ट ऑनेस्टली एक ऐसी स्क्रिप्ट जब आपके पास आती है जो यू नो फनी भी हो ड्रामा भी हो इट्स अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली यू नो कुछ बिगड़े रही ज़्यादे उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है कि उनके दादा उन्हें कहते हैं जाओ एक पुराना होटल है उसको चलाओ उसको चलाया तो तुमको कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा लाइफ में सो द कॉन्सेप्ट वॉज रियली नाइस कुछ ऐसा पहले मैंने किया नहीं था मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत देखा नहीं था अगेन द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द होल प्रोजेक्ट रियली नाइस यू नो हाई ऑन मेरिट सो आई वॉज लाइक वाई नॉट एंड वी हैड अ गुड टाइम यार बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था आई थिंक उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड द फैक्ट कि हम रोज सुबह उठ के इतने खूबसूरत लोकेशंस पे शूट करते थे वो एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ थी स्पेशली बिकॉज यू आर ब्रीदिंग वेरी ब्यूटीफुल एयर आप और अच्छा खाना खा रहे हैं सब बहुत बढ़िया है वहाँ पर एंड इट वॉज जस्ट लवली शूटिंग विद माई कोस्टार्स स्पेशली आई मीन टू शूट विद Divyendu इट्स अ ह्यूज ऑनर दैट आई कैन शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम विद Vinay Pathak सर एक्चुअली मैं अपनी पूरी कास्ट के बारे में कहना चाहूँगी एवरी वन फ्रॉम अतुल श्रीवास्तव सर हेमंत पांडे श्रेया खान सर अन्नपूर्णा सोनी मुक्ति मोहन सो एक बहुत ही अच्छा माहौल था सेट पे और जो हमारे डायरेक्टर थे प्रेम उन्होंने इंश्योर किया कि सब बहुत अच्छे से काम करें एंड अच्छा शो बनकर आए सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द शो वी मेड So it clearly defines ki India is a different has a different meaning and Bharat has a different meaning. So what according to you is a Bharat and what according to you is India and what is the difference between India and Bharat?
मुझे लगता है सर ये हम लोगों के ये सवाल हम दो लोगों को या दो अलग अलग दुनियाओं को देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. इट्स सेल्फ इनसाइड अस. हम अपने में इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं. द लॉट ऑफ टाइम वी फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, वी वेयर, वी स्पीक अंग्रेजी, एंड द लॉट ऑफ टाइम वी आर सो रॉ, वी आर सो रूटेड. हम आज भी कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं. हम आज भी जब दुखी होते हैं तो चाहते हैं कि परिवार और फ्रेंड्स के बीच में बैठ के बात करें. हम आज भी जब पेट में दर्द होता है तो यू नो वी गो इन टू द किचन एंड लुक फॉर सम होम रेमेडी, दादी माँ के नुस्खे जो हम बोलते आ रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी अम्यूजिंग कि हमारे खुद के अंदर इंडिया और भारत दोनों रहते हैं. और वी वॉन्टेड टू शोकेस दिस दैट हाउ ये दोनों दुनियाएं कैसे मिलती हैं, कैसे वैल्यूज़ का एक्सचेंज होता है. तो या With this thought, we are bringing the yeah. show. No, she's right because I think कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, right? हम अंदर से भारत हैं, शायद बाहर से इंडिया होते जा रहे हैं. Because yes, there are. India, you mean what? Like it's like westernized जो हमारे activities हैं that you consider as India? Yeah, of course. Like India, I would say it's a better and progressive way of seeing भारत. या आप समझ लो रूरल और अर्बन, या ऑफ कोर्स यू कैन वो समझ लो, है ना, गांव और शहर का अगर हम बात कर लें. मैं बहुत मानता हूँ, मैं बचपन से, हाँ नहीं, मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आया हूँ और तंत्र विद्या में मेरा बचपन से ही बहुत मानना है. ये क्या हुआ? हाँ क्यों, इसमें क्या, ये पूरी विद्या है, इट्स अ साइंस, तो इसको झुटला नहीं सकते हैं, हमारी अपनी विद्या है. तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में. हमारे शो में उसका इतने गहराई से हमने बात नहीं करी, हमने थोड़ा ऊपरी तौर पे, थोड़ा मज़े मज़े के लिए बात करी है कि कैसे कुछ लोग उस चीज़ का मज़ा बना के भी चार बातें करते हैं और लोग हंसी मजाक करते हैं. तो सीरियस वे में नहीं करा है उसको, थोड़ा हंसी मजाक और लाइट वे में ही किया. लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं 3:30 बजे उठ के मैं करता हूँ. देखिए मेरी कुछ, जब आप तंत्र विद्या करते हैं तो कुछ सिद्धियाँ आप प्राप्त करते हैं, तो मैंने कुछ करी हुई उनके बारे में बता नहीं सकता ऐसे ओपनली क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल एक चीज़ है. लेकिन है कुछ, मेरे पास कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका मैं उपयोग करता हूँ सही समय पे सही लोगों के साथ. क्या यही शक्तियाँ लोगों पे हावी हो जाती जो आपको इतना पसंद करती? मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा आपको. नहीं, मैं तो कहूंगी वो इनका टैलेंट है, उसको हम शक्तियों को नहीं कहते. आई एम श्योर ये शक्तियाँ किसी और वजह के लिए यूज करते होंगे, बट जो भी इन्हें मिला है जिंदगी में वो इनका 100% टैलेंट है. तो आई डोंट थिंक उसमें शक्तियों का कोई बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीजों के लिए मैं शक्तियों का यूज करता हूं. एंड क्योंकि हमारे बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई है, हम दोनों भाई बहन, जैसे कि आप शो में जानते हैं लाइव फिल्म में, हम दोनों प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे दादाजी ने बोला है कि जो भी इस होटल को चला पाएगा उसी को वो जायदाद मिलेगी. तो हो सकता है कि ये तंत्र विद्या ये मेरे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं. तो मैं देखूंगी कि 3:30 बजे ये कहाँ कर रहे हैं. सो मैं कोशिश करूंगी कि इन तक पहुंचूं और मैं भी कुछ सीखूं. करेक्ट, कल सुबह 3:30 बजे से आप देख सकते हैं लाइव फिल गई, कल आ जाएगा. ठीक है. I can only talking about shouting my lungs out. That's all. I was doing as a producer, but of course it is. It's been shooted in Uttarakhand. Uttarakhand mera ghar hai, meri jagah hai, and I feel very proud ki humne itna lamba shoot jo hai wo Uttarakhand mein kiya. Itte bade production houses bhi itta bada aur lamba shoot nahi kar paaye. Second, we were shooting on a very remote location. We were shooting in Nainital and Ranikhet. And hats off to my cast. हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी को कोई परेशानी हो रही है. अगर शायद इन्हें हो भी रही होगी तो नहीं बताई. But it was very much too much fun. इन लोगों को कई बार चीते भी दिख जाते थे शाम में. So they were like really enjoying to being surrounded with nature.
ऑफकोर्स एज अ प्रोड्यूसर आई वुड से इट वॉज लिटल चैलेंजिंग बिकॉज रानीखेत में इससे पहले इतना बड़ा शूट नहीं हुआ था, बट वी बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट अ गवर्नमेंट सपोर्ट. हमारे सीएम जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, इवन ही केम ऑन सेट एज वेल. हमारे शूटिंग पे भी आए थे मिलने हमसे धामी जी. या ही डिड लंच विद अस ऑल्सो, थोड़ी समस्याएं भी समझी. और एज अ फिल्म मेकर आई रियली वॉन्ट दैट उत्तराखंड रिसोर्सेज शुड बी मोर इन्हांस्ड, हम लोग कुछ और अच्छा कर पाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शूट वहाँ पर हो सके. तो इस कोशिश को लेकर भी लाइफ फील गई वॉज अ बिग चैलेंजिंग, बट इट वॉज वेरी फुलफिलिंग फॉर अस. जब आप किसी कैरेक्टर को देखते तो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमेडी भी लेते हैं आप, क्योंकि आपको उस तरीके से पसंद किया जाता है, बट आप कभी कभी किसी सीरियस प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं जी. तो जब सीरियस तरीके के स्क्रिप्ट को आप दर्शाते हो एज अ कॉमेडी भी में, तो उस चीज़ को लेके आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं? यार प्रिपरेशन मैं आपको बोलूँ तो सी इन अ वे बचपन से, बिकॉज आप बचपन से थिएटर करता आ रहा हूँ, यू नो प्लेस करता आ रहा हूँ, उसके बाद FTI जैसी एक जगह पे गया, वहाँ पे एक्टिंग की पढ़ाई की. तो ये ओवर द ईयर्स एक जो हम बोलते हैं ना, जो आपका रियाज होता है वो है. उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इतना पता चलता है कि क्या कैरेक्टर है कैसे है. मेरी जो पर्सनल जो कोशिश रहती है वो मैं ये रहती है कि मैं कैरेक्टर्स को जितना रियलिस्टिक बना पाऊँ. अगर कोई सीरियस आदमी है तो हमने देखा होगा लाइफ में सब लोग सीरियस ही नहीं रहते, मजाक भी करते हैं, या कोई मजाक जो करता है इंसान वो सिर्फ मजाक ही नहीं करता, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सीरियस चीज़ों से गुजरता है. सो जस्ट टू मेक अ कैरेक्टर मोर 3D ताकि उसका हर पक्ष जो है वो हम देख पाएँ, वो कोशिश रहती है. नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ सर. आपने एक्टिंग स्टार्ट भी की है? हाँ मैंने बिल्कुल करी है, बट मैं व्हाट आई प्रोड्यूस आई डोंट एक्ट, एटलीस्ट आई ट्राई. फिर वो कैसे मैनेज करती हो आप, और आगे आप क्या देखने को मिलेंगे आपकी तरफ से एज ए एक्टर? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टुडे वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट. बट या आई एंजॉय द बोथ साइड ऑफ जर्नी. एक्टर और प्रोड्यूसर होना दो अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग चीज़ें हैं. और मुझसे कोई जब भी सवाल पूछता है कि व्हाट आई एंजॉय मोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिप्लाई, बिकॉज बोथ साइड यू आर इनटू अ मेकिंग एंड क्रिएशन. तो या आई एंजॉय बोथ द थिंग्स एंड सून वी गोना अनाउंस फ्यू प्रोजेक्ट्स फॉर यू. अच्छा कुछ महीने पहले चीफ मिनिस्टर धामी जी बॉम्बे में आए थे और पारुल जी ने ही वो कंडक्ट किया था दैट इवेंट. उन्होंने बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स इवन फंडिंग्स फॉर द फिल्म्स अगर वो उत्तराखंड में अगर शूट होते हैं, और आपकी फिल्म तो उत्तराखंड की ही है. मैं चाहूंगी ये क्लिप मैं मोदी धामी जी को जरूर दिखाऊं और बोलूं कि लोगों ने सब बोला. बट ऑफकोर्स वी हैव अ सब्सिडी बेनिफिट विच वी हैव पुश्ड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अलॉट, जो कि पहले 1.5 करोड़ मिलती थी वो अब 3 करोड़ कर दी गई है. और अगर हम वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेते हैं या वहाँ की जगहों के बारे में बात करते हैं तो एडिशनल मॉनिटरी बेनिफिट है. तो सर्टनली दिस इज़ अ कमर्शियल प्लान ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सके उत्तराखंड, एक टेम्पिटेशन उनको मिले कि वो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर शूट करना चाहें, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेना चाहें. सो या दैट्स अ प्लान. वन मोर क्वेश्चन एडिंग टू इट, मतलब मोस्टली बड़े पर्दे के लिए किसी भी फिल्म मेकर का विजन यही होता है बड़ा पर्दा शुड बी द टॉप प्रायोरिटी रादर देन मूवी. और तो आपको कभी इसमें मतलब इसको बिग स्क्रीन के लिए आपने प्लान किया? सर हर चीज़ का एक अपना अपर्चर होता है, और लाइफ हिल गई हमेशा से हमारे लिए वेब सीरीज ही थी. और जब हमने इसको लिखना शुरू किया था, इट्स अ कमीशन्ड शो ऑफ हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो वहाँ के क्रिएटिव्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व है. इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस वी हैव गॉन थ्रू. फॉर अ बिग स्क्रीन वी हैव अ फ्यू अदर फिल्म्स कमिंग फॉर नेम तारनी, जिसकी हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सक्लूसिव परमिशन भी ली है. तो हर एक चीज़ का एक अपना मीडियम होता है. जब आप उसको लिख रहे होते हो तो आपको पता होता है कि ये किस मीडियम के लिए आप बना रहे हैं. सो या लोग आपको जब पसंद करने लगते हैं आपके काम को और सराहने लगते हैं तो चाहते हैं कि और अच्छा अच्छा काम उस तरीके से आप आगे करें. और जब इस तरह की आप लोगों पे प्रेशर आ जाता है तो आप अपने स्क्रिप्ट को आगे के प्रोजेक्ट को हाथ किस तरीके से मैं जानना चाहूँगा. मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलना बहुत आसान था, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी. जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ आई थी तो मैं स्क्रिप्ट को नीचे नहीं रख पाई थी. पहले 10 पन्नों में ही मुझे लगा कि स्क्रिप्ट फनी है, इसमें विट है, इट्स फनी, इट हैज़
इट हैज गॉट थ्रिलर, इसमें लिटिल हॉरर का एलिमेंट भी है, आपको सभी कुछ मिलेगा इस शो में. और फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि देवेंद्र और विनय सर होंगे इसका पार्ट, देन आई वाज लाइक हाउ कैन आई लीव सच अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ. तो मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी थी. तो ज़रूर आपके इस प्रोजेक्ट में होना बहुत बड़ी बात थी और उसकी वजह से मैंने हाँ बोला, बिकॉज मुझे फिर कब मौका मिलेगा इनके साथ काम करने का. सीजन टू में. सीजन इन. बट आई थिंक यार कोई भी आर्टिस्ट को ना ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इससे दूर रखना चाहिए. सक्सेस और फेम वो बहुत अच्छी बात है व्हेन पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, लेकिन उसके बारे में सोच के अगर हम ये सोचेंगे अब आगे भी कोई ऐसा ही चीज़ लें जो कि हिट हो या सुपर हिट हो, उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए. मेरा मानना है आर्टिस्ट एक बहुत एक सेल्फिश एंटिटी होता है. हम लोग जो काम करते हैं ना वो अपनी खुशी के लिए करते हैं सबसे पहले. लाइक आई टोल्ड यू जोकिंगली ओनली, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मैं ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शूट कर रहा था. आई लव हिल्स. मुझे था कि काम के साथ मज़ा भी आएगा. सो वो जो सेल्फिशनेस है ना वो यहाँ पे बुरी नहीं है, वो एक अच्छी बात है. उसी को कहीं ना कहीं लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए. ये वाला जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ इसका आंसर मुझे पता है. आपने आपसे मैंने पहले भी पूछा है पर ये एक ऑडियंस की तरफ से वापस पूछ रहा हूँ. मिर्ज़ापुर 3 में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया गया, काफ़ी मैसेजेस आए लोगों को कि मुन्ना भैया को मिस किया जा रहा, मुन्ना भैया को मिस किया जा रहा. आपको किस तरह के मैसेजेस आए उसके बारे में? मैसेजेस बहुत सारे आए और बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला. आई मीन थोड़ा इमोशनल कर देने वाला प्यार मिला, लोग इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबका. लेकिन आज बात होगी लाइफ हिल गई की, तो उस पे ही रहते हैं. I mean, I would say a mixed bag of a lot of things, yaar. I mean, I made a lot of good friends on this shoot. You know, we had such a lovely time shooting this. Also, this is one such project which unveiled itself day after day. You know, it became even more interesting while shooting, right? I mean, yes, it was really nice when I read it on paper. But while shooting, how we were improvising, not as actors, but as technicians, our director Prem with us, our camera person with us. And we were just, you know, constantly trying to make this a better show, you know, and something which we would love to see. So that process of everyone coming together, you know, making something which makes us feel happy is that mushy, sweet feeling that I would always have with me. ऑन दिस शो देखिए मुझे इस तरह का रोल आई फील और स्पेशली बोलूँगी कि इतने बहुत सारे पन्नों पर था मेरा कैरेक्टर, वो पहली बार मिला है मुझे इतना बड़ा रोल पहले करने का मौका नहीं मिला है. तो मैं थोड़ी नर्वस थी वाइल गोइंग ऑन सेट ऑब्वियसली, बट मैं बता नहीं सकती कि सेट पे कितना मजा आया. कुछ तो स्टार्स अलाइन हुए, कुछ तो ऐसे लोग साथ में आए जिन्हें दूसरे के साथ काम करने में बहुत मजा आया. देर वॉज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देर वॉज म्यूचुअल एडमिरेशन, देर वॉज म्यूचुअल लव, एंड देर वॉज दिस जेन्युइन एक्साइटमेंट एवरी डे टू वर्क ऑन सेट. रोज सुबह आकर हम यही कोशिश करते थे कि सीन बढ़िया हो ताकि शो बढ़िया बने. आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर्स, स्पेशली आयुषि, बिकॉज शी इंश्योर्ड दैट वी हैड अ वंडरफुल एनवायरमेंट ऑन सेट, स्पेशली इन उत्तराखंड. आई थिंक शी पुल्ड ऑल स्टॉप्स टू मेक श्योर कि ये शो बने जिस तरह का आज बना है. एंड ह्यूज प्रॉप्स टू आर डायरेक्टर प्रेम, हु हैड टू वर्क विद सच अ ह्यूज एनसेम्बल, एंड ही मैनेज टू पुल ऑफ समथिंग सो वंडरफुल. आई वुड से लाइफ हिल की एक बहुत ही प्यारा होलसम बिंजेबल शो है जो आप जो बहुत आसान है देखना. yeah. और आप लोगों को उसमें हर एलिमेंट मिलेगा. देर इज ड्रामा, देर इज कॉमेडी, देर इज हॉरर, थ्रिलर, एवरीथिंग. And there are some very honest performances. So, dil se banaya hua wholesome show hai, which you will absolutely enjoy. I think you guys will. No, but enjoy. I think after a while, you know, a show like this is coming where you can actually sit with your family. Yes. And enjoy all the episodes. Mm. You know, it's beautifully done. Bahut saaf sutra pavitra sa show hai hamara. You know, but yeah, every episode you'll see a very different side of the show. वो बहुत मज़ेदार बात है. और जो हमने एक्सप्लोर करी है ना लोकेशंस थैंक्स टू आरुषि, इट्स एक्चुअली दिस शो वुड बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर उत्तराखंड. यू नो पीपल वुड सी
फार ऑफ लोकेशंस, ब्यूटिफुल लोकेशंस जो शायद किसी का परमिशन भी नहीं मिलता था, बिकॉज ऑफ आरुषि वी गॉट दोज परमिशंस एंड वी हैव शॉट ऑन सच लवली अनबिलीवेबल लोकेशंस कि जब हम सुबह वहाँ पहुँचते थे ना तो पहले तो लाइक 5-10 मिनट्स वी यूज टू बी जस्ट इन ऑफ द प्लेस कि यहाँ पे शूट करने वाले हैं. यू नो हम शहरों में रहते हैं लोग, यू नो इट्स जब आपको जंगल के बीच में, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक तालाब दिखता है ना साफ सुथरा प्यारा, तो आपको लगता है यार लाइफ ना यही है. यू नो हम बहुत आपाधाबी में लगे रहते हैं यहाँ पे, बट जस्ट टू हैव दीज स्मॉल ब्यूटिफुल थिंग्स ना बहुत मज़ेदार बनाती हैं पूरी चीज़. So every actor is very tempted all the time to be part of a good project, but as I said, I try what I'm producing, I shouldn't act, because बहुत simple सी बात है. दोनों बहुत अलग तरीके के रोल हैं. एक में आप कैमरे के पीछे का पूरा शो रन करते हैं और एक में आप कैमरे के आगे रहकर पूरा शो रन करते हैं. बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, पर ये दोनों एक साथ होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. एंड स्पेशली ये मेरे लिए पहला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और चैलेंजेस आई टोल्ड यू बहुत सारे थे. बहुत फनी बात है, दिस शो हैज़ लॉट्स ऑफ राइटर. इफ़ आई स्टार्ट टेलिंग यू दैट एवरीबडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन अ राइटिंग इन अ ब्यूटिफुल वे, देन वी हैव लॉट्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा प्रोसेस लंबा था शो का. एंड कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी शो छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज दे हैड देयर प्रीवियस टाइमलाइंस एसोसिएटेड. तो बहुत बार दिल भी टूटा है. मतलब एक्चुअली दिस शो हैज़ टेकन यू नो द स्वेट टीयर्स एंड ऑफकोर्स मनी. सो या बट ऑफकोर्स आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ अ शो एज एन एक्टर एज वेल, बट वी ऑलरेडी हैव अ ब्यूटिफुल कास्ट हियर, सो And never say never. Like I said, season 2 is always there. I don't know, I didn't like him. You know, he's not a nice guy. I'm just kidding. Lovely, lovely person. Worst part. Worst part is that he is so humble and you know, he's so with you always that you know, हमारे लिए वो विनर्स आ रहे हैं. हमने उनको इतने सालों से परफॉर्म करते देखा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते देखा है, बट यू नो जब एक कोई ऐसा सीनियर एक्टर आता है विद नो बैगेज ऑन सेट, इट्स सच अ प्लेजर टू वर्क विद हिम. ही इज़ फनी, यू नो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू इम्प्रोवाइज. यू नो कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो सेट पे, सीन वर्क कैसे करा जाए, ही इज़ ऑलवेज देयर. एंड दैट्स वॉट यू वॉन्ट इफ अ सीनियर एक्टर इज़ अराउंड यू, यू नो यू जस्ट फील दैट कम्फर्ट, दैट वॉर्म्थ, यू नो कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा भी तो ये संभाल लेंगे बिकॉज ऑफ सच एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स. Oh, definitely. Yeah. It's like how we always say, it's a give and take in acting. And you know, you enjoy a good tennis match when you have good two solid players. So it improves your game, you know, at the same time if you have a good player opposite you. So yes, working with him was so much fun. And just, I'm just telling you, it's not like rarely you find such senior actors who are so open. And again, I would like to repeat, without any baggage. And you know, you can just go talk anything, you know, you can give him suggestions. If he's giving you suggestion, that doesn't mean he's saying ke main bata raha hu to aisa hi kar lo. He would say ऐसा भी कर सकते हैं. So that would like really that was priceless. Sorry, Kusha, your experience with Vinay? Oh, he's just so cool. I think जो कह रहे हैं कि एक there is a lightness in the way he just exists on a set. बहुत ही कोई baggage के साथ नहीं आते हैं. कोई he will like legend है वो. फिर भी like He's so grounded, so humble, always ready to help you in a scene, always cracking jokes when, you know, off the set, always saying the most wonderful things. बहुत कहानियाँ सुनाते हैं. There is so much to learn from him, क्योंकि मैंने इतना कुछ पता है. He's so knowledgeable, he's so... And cricket, our love for cricket. In fact, हम साथ में बैठ के देखते थे, World Cup चल रहा था. Yeah. And it was just the best time.
एंड ही जस्ट नो सो मच अबाउट एवरीथिंग, उन्हें हर चीज़ के बारे में बहुत पता है, तो उनके साथ बैठ कर बात करने में बहुत मज़ा आता है. एंड आई थिंक आई एम जस्ट सो सो लकी दैट आई गॉट टू शेयर स्पेस. और हम पूरा फाइनल तक ले आए थे, यू नो फाइनल का मैच रह गया साथ देखना, वरना कप हमारा था. पूरा एक एक मैच देखा हमने बैठ के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी बनाते थे, सब कुछ डिस्कस करते थे, अब ये होने वाला है, ये होने वाला है. फाइनल आने तक हमारी शूट खत्म हो गई थी, पार्टनरशिप टूटी और रिजल्ट आपके सामने. जी या एक फिल्म आई थी बत्ती गुल लेटर चल, जी शाहिद कपूर जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसमें कुछ सवाल मैंने शाहिद जी से ऐसे पूछे, उन्होंने बोला यार इट्स अ दिव्येंदु फिल्म, आई थिंक यू शुड आस्क दिव्येंदु. स्वीट ऑफ बत्ती गुल लेटर चल हुई वाज जस्ट वन ऑफ दोस पार्ट कि ये दिव्येंदु की फिल्म है. जी जी उनसे पूछना ये सवाल. आज अगर मैं कहूँ कि लाइफ हिल गई इन दिव्येंदु फिल्म, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? अरे नहीं, मैं यही मानना चाहूँगा हम सब साथ मिलके बनाते हैं, और स्पेशली ये प्रोजेक्ट तो इसमें इट्स सच अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ एक्टर्स आपको देखने को मिलेगा ना, इतना मज़ा आएगा आपको. और ये एक्चुअली बहुत एक एनसेंबल शो ही है, यू नो हर एक का इतना प्यारा कैरेक्टर का ग्राफ है, यू नो ऊपर नीचे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो यस इट्स अ ह्यूज ऑनर, आप जो कह रहे हैं थैंक यू उसके लिए, लेकिन मैं ये भार अपने पे क्यों उठाऊँ, यू नो सब मिलके उठाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. तो अच्छी बात यह है कि हम सब ने साथ मिलके उठाया है और ये सबका शो है. वो भी उत्तराखंड में ही मेजॉरिटी शूट हुआ. जी 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 हमने दूसरी साइड किया था, वो टीरी गढ़वाल की साइड किया था, इस बार हम कुमाऊं साइड पे थे, तो उसमें बोली में जो डिफरेंस था इसमें बिल्कुल अलग है. और इस बार हमारा जो कैरेक्टर है, हम लोग वहाँ से नहीं, हम शहरी लोग हैं जो वहाँ जाते हैं. दैट्स इंडिया. यस करेक्ट, इंडिया के लोग भारत आते हैं, पर शो का आई थिंक लार्जली मैसेज यही है कि हमारी सोल सेम है. Like we could be living in different parts of this country, but at so like at core level we're all the same people. Even Gandhi ji said Bharat ki atma gaon mein basti hai. बिल्कुल बिल्कुल. I think Gandhi ji ne hi bola tha. I think ये time आ गया है, पहले यही होता था ना, लोग गाँव से शहर आते थे. I think आज की डेट में हम सबको इतना ज़्यादा शायद कहीं ना कहीं शहर से वो गए, हम वापस जाना चाहते हैं. मेरे पास अगर ऑप्शन मिलेगा कि मैं किसी उत्तराखंड जैसी जगह में या हिमाचल या कुछ भी ऐसी जगह में जाके अगर मैं अपना काम कर सकूं, मैं सोचूंगा नहीं दो बार और मैं भाग जाऊंगा. बिल्कुल. अच्छा जस्ट एक प्रोड्यूसर से भी क्वेश्चन, सिंस इंडिया एंड भारत का सवाल है यहाँ पे, अभी इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस अभी भी भारत वर्ड कुछ ज़्यादा यूज में आ रहा है, ट्रेंड में आ रहा है, मतलब इंडिया को रिप्लेस करने में काफ़ी कुछ हो रहा है. एक बार G20 में उसका रिप्लेसमेंट हुआ तो बहुत सारे डिस्कशन आ गए, डिबेट आ गए, बट अभी भी मैं कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देख रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश में भी अगर लिखा रहता है तो भी वो भारत वर्ड यूज हो रहा है. So how do you see this change in sir I know where it's going and I'm not taking you there for sure. इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हर तरीके की भाषा, पहनावा, संस्कृति, वट एवर यू से, हम सभी लोग एक खूबसूरत से देश में अकोमोडेट करते हैं. और ये भी एक बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक बात है कि हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर तरीके के शोज़ को प्रमोट करते हैं. एंड स्पेशली लाइफ हिल गई, डिज्नी प्लस हॉटस्टार वॉन्टेड टू हैव अ वेरी फन लाइट हार्टेड शो बिकॉज पोस्ट कोविड वी वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो ट्रॉमास. तो एक ऐसा शो जिसको सभी लोग बैठकर देखें, सराहे, और स्पेशली वो क्योंकि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में शूट किया गया है, इतने खूबसूरत हमारे एक्टर्स हैं उसमें, एंड इट अ स्टोरी लाइन, यू विल फॉल इन लव. मतलब आप जब एक एपिसोड देखेंगे तो मेरा कम से कम मेरा तो ये मानना है कि आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, यू हैव टू बिंज वॉच इट. आप नहीं रोक पाएंगे 6 के 6 एपिसोड अपने आप को देखने से. तो भारत भी देखिए, इंडिया भी देखिए थ्रू लाइफ हिल गई. आई थिंक ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है हमारे शो का, वी ओनली हैव 6 एपिसोड्स. तो वो 8-10 एपिसोड वाला जो लंबा लंबा है, आर आई थिंक ड्यूरेशन इज ऑल्सो 25-30 मिनट्स, यू नो पर एपिसोड 35 मिनट्स टू द मैक्स. तो बहुत ही ईजी ब्रीजी बिंजेबल शो है. एक तरह आप एक फिल्म ही देख रहे हैं, अगर हाँ. आप वो 6 एपिसोड्स देखेंगे तो आप एक फिल्म देख रहे हैं. तो आप तीन घंटे की, तीन साढ़े तीन घंटे मैक्स, तो बहुत ही बिंजेबल है. ऑन अ लाइटर साइड, ये भैंस पे बैठने का जो आपका ये टेक था, कितने रीटेक हुए इसमें? या भाई साहब मैं बताता हूँ, ये झूठ है एकदम. एक तो इसका शो से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ये हमारे जो PR मार्केटिंग वाले हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा करें. मैं शुरू से इसके बड़ा अगेंस्ट था इस पोस्टर के. और भैंस पे बैठे नहीं? जी नहीं, बैठे ही नहीं हम स्टूल पे बैठे, उन्होंने भैंस बाद में लगाई नीचे पोस्ट पे.
तो ये बताने का बस यही कि उनका वो है कि हम शहर के लोग यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा एक सीन नहीं है. तो ये है, बस है. बिल्कुल ही वो आई थिंक दिव्यंदु कहना चाह रहे हैं कि स्टीरियोटिपिकल डिपिक्शन नहीं है वो इंडिया मीट्स भारत का. वो बहुत उसको रियल तरीके से कैरेक्टर्स को बहुत ह्यूमनाइज किया है. अगर कोई रिच ब्रैट है तो उनको एक ही तरह का आंख नहीं दिया है. कोई अगर गांव से है तो उनको एक ही तरह का आंख नहीं दिया. वो कैसे साथ में आते हैं, कैसे वो कैसे उनका तालमेल बैठता है इस शो में, वो देखने लायक है. कुछ भी कैरिकेचरिश ओवर द टॉप नहीं है इस शो में. इस शो में ये है ज्यादा है. ये अगर देखे ना तो ये हमारे शो को ज्यादा बताता है कि ये दो लोग मिलके कैसे एक होटल को चला रहे हैं. जो कि अगर वन लाइन में हम बात करें तो यही है कि दादा ने बोला है कि भाई अगर तुम जाके इस होटल को चला दोगे तो जो तुम्हारी दौलत वौलत जो लुट गई है, ख़त्म हो गई है, तुमको मैं वापस दे दूंगा. तो जो मेन मुद्दा है वो ये है कैसे एक फैमिली साथ आती है कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में, एक होटल को चलाती है, एंड हाउ दे डिस्कवर देयर रिलेशनशिप्स अगेन. वो है. एंड दैट्स एक्चुअली द रियल होटल. या सो वी टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन. दिवेंदु और मिडिल क्वेश्चन आपसे भी है कुशा. आप जब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हो और आप जब बिग स्क्रीन के लिए काम करते हो, ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. तो आपको ऐसा कुछ लगा कि क्या कुछ अलग मैं कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट, जब भी आप दोनों चीजें कर रहे हो? फॉर मी पर्सनली मुझे एक अच्छी बात ये लगती है, ओटीटी पे मुझे एक्सपेरिमेंट करने को ज्यादा मिलता है. यहाँ पे यू हैव अ मच बिगर प्लेइंग फील्ड, यू नो, पीपल आर मच मोर फियरलेस हियर, यू नो, यू टेंड टू सी मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज. जहाँ पे थिएटर की हम बात करते हैं, अच्छी बात यह है बिकॉज ऑफ ओटीटी पीपल आर बिकमिंग ब्रेव नाउ और नई नई स्टोरीज और नए कैरेक्टर्स वहाँ भी आ रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा जो योगदान जिसे हम बोलते हैं ना, वो ओटीटी का है टूवर्ड्स आर सिनेमा ऑफ दिस कंट्री. यू नो, इट्स टेकिंग इट फॉरवर्ड, मेकिंग पीपल फियरलेस. एज एन एक्टर अगर आप पूछेंगे, बेसिक्स बिल्कुल सेम रहते हैं, उसमें कुछ बदलता नहीं है. बट या इफ यू डूइंग एन ओटीटी शो, दैट वुड बी स्लाइटली आई वुड से मच मोर चैलेंजिंग, बिकॉज वहाँ पे आपकी एक दो ढाई घंटे की फिल्म है. लेकिन अगर हम 8-10 एपिसोड की बात करते हैं तो एज एन एक्टर आपका ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, यू नो. और जैसा आपको पता है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि हमारी जो शूटिंग होती है वो एक तरीके से तो होती नहीं है, कभी कोई सीन, कभी कोई सीन, कभी क्या. सो इसमें प्रेप मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा लगता है. लोग बोलते हैं ओटीटी वर्सेस बॉक्स ऑफिस, बट पीपल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इट्स एक्चुअली एन एडवांटेज फॉर आवर बिजनेस. इट्स एन एडेड रेवेन्यू. पहले सैटेलाइट होता था और बॉक्स ऑफिस होता था, अभी ओटीटी है, सैटेलाइट है और बॉक्स ऑफिस है. तो वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा ही. ये दोनों अलग वर्ल्ड्स नहीं है, मैं दिव्यंदु से बहुत सहमत हूँ. एक्चुअली फिल्म सेट पे जो आपको लोग मिलते हैं वही आपको ओटीटी के सेट पे भी मिलते हैं. तो वो एक ही दुनिया से आ रहे हैं हम सब, बस अब मीडियम्स अलग हैं. फॉर मी, मैंने अभी इतना काम किया नहीं है कि मैं इस पर बहुत एक नुआंस्ड अपना रिप्लाई दे सकूँ. सो एवरी डे अगर आई गेट टू बी ऑन अ सेट, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी बात है. इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. और मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ये मेरी जिंदगी है. तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज आई एम गेटिंग. ओटीटी, बॉक्स ऑफिस, YouTube, Instagram, anywhere I get to work, I'm very happy. Thank you guys. Thank you so much. Thank you for coming. ये टेबल हो गया. The look center. Smile everyone. ये यार पीछे लो ना, विनोद भाई. और कितना तेरे को इतना क्यों वेट है? पूरा वाइट है मेरा. सही बात है. सेंटर लुक ऊपर. Hold. Center low. Look center. Short भी बहुत. Filmy. Look center. Look here, yeah. So yeah. Thank you. Thank you. Pehle solo black and white. Sorry, gira. Ji gira. Kada. Hello. Yeah.
हेलो दुगिया वेट वेट मैडम वेट होल्ड होल्ड थैंक यू लुक आइए साथ में बस आइए सेंटर धूप में सूट खाना सेंटर और क्या है महिला जी लेफ्ट होल्ड 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 थैंक यू काडा यहां से सेंटर नाइस ले लो लुक सेंटर सेंटर लुक वेट वेट थैंक यू भैया जी अरे मैं पहले सांगतो मैम सेंटर लुक मैम इकडे समोर लेफ्ट तुमच्या लेफ्ट इथे इथे समोर थँक यू आहे मॅम लुक सेंटर ये बस लुक सेंटर थैंक यू हो गया तिकडे बघ